गाड़ी इतनी जबरदस्त लग रही है ना कि इसकी मैकेनिकल हालत है गाड़ी की वो काफी खस्ता रही है, इंसान अंदर बैठ भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन है। इसके बोल्ट मतलब ढीले पड़े हुए हैं यार, और इसका एक बोल्ट लगा हुआ है और एक बोल्ट लगा ही नहीं हुआ है। पीछे चेसिस का ये बोल्ट भी पूरा लूज पड़ा है और वो बोल्ट भी लूज पड़ा है, तो ये देखो सारा ये लूज है। ये टर्बो की पाइप भी थी नीचे से, ये भी सारी खुली पड़ी थी। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता यार अब किसी के बारे में बोलूंगा, बट तो ये तो खास है ही आपके लिए, बट इसके साथ कुछ और भी है। ये देखिए, तो ये अपने शोएब भाई की गाड़ी है जो कि आज हमारे पास आई है। सबसे पहले तो क्या है कि मतलब गाड़ी इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत कम ही गाड़ियाँ मुझे पसंद आती है। तो सबसे अच्छा मुझे मतलब इसका पेंट वर्क है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि पेंट के बारे में मैं काफ़ी नॉलेज रखता हूँ, और जो इसमें फिनिश की है ना जिस भी मेरे भाई ने किया है, तो अगर वो देख रहा होगा तो यार उसके लिए तारीफ है यार। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तो अभी थोड़ी गंदी भी हुई है, ब्लैक कलर है, तो कमेंट कर देना ज़रूर। तो गाड़ी मतलब इतनी प्यारी बनी है ना, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है, मतलब ऑलमोस्ट स्कॉर्पियो से क्या लें सर, ठीक है भाई साहब, तो मतलब स्कॉर्पियो से ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ी सी ऊपर है। तो एक बार अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। तो डैशबोर्ड इसका मतलब काफ़ी, डैशबोर्ड भी काफ़ी प्यारा यूनिक्स है, और अंदर से इंटीरियर कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप है जो शोएब भाई ने बनाया। मतलब मेहनत दिखती है उनकी, जो इस गाड़ी पे उनका एक साल लगा है, टाइम लगा है, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं, बट जो इसकी मैकेनिकल हालत है गाड़ी की वो काफ़ी खस्ता रही है। और ये क्यों आई है ये भी आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी हमारे पास आई क्यों है, बाकी शोएब भाई आएंगे तो एक उनसे रिव्यू लेंगे गाड़ी के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि गाड़ी में जो है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है पूरी बॉडी में, मतलब इंसान अंदर बैठ भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है। दूसरी, इसके गियर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी, इसकी ब्रेक्स में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक प्रॉपर काम नहीं कर रही है। और इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी है मैकेनिकल जो करने वाली है इसमें। तो फ़िलहाल जो मैंने चेक की है, तो शोएब भाई तो अभी लगा के चले गए, तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के नीचे, और यहाँ से मैं बताता हूँ आपको दिक्कत क्या है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है आप देख सकते हो, बिल्कुल ये बॉडी के साथ टच कर रहा है, मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं है। यहाँ से ऊपर से ये देखो बिल्कुल टच कर रहा है, मतलब उंगली की भी एक जगह नहीं है। और ये इसमें सबसे पहले दिक्कत है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। और दूसरा नंबर, यहाँ पे मैंने देखा है, तो ये आप देख सकिए गैप, मतलब यहाँ पे जो इसके ट्रांसमिशन का जो ये गाडरी है जो इसके ट्रांसमिशन की, इसके बोल्ट मतलब ढीले पड़े हुए हैं यार, मतलब इतनी ज़्यादा लापरवाही। वो तो शोएब भाई आएंगे तो उनसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या किया, मतलब दिल्ली से ये गाड़ी लाए हैं चला के, और कितना ज़्यादा रिस्की है ये देखिए। मतलब ये टाइट करेंगे तो गेयरबॉक्स और ऊपर, जितना मतलब यहाँ पे ये स्पेस दिख रही है इतना गेयरबॉक्स और ऊपर टच हो रहा होगा। या तो वो जानबूझ के किया गया है इसको लूज़ करके कि वो टच ना करे, बट इतना लूज़ छोड़ना मेरे ख्याल से रिस्की है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, मैंने थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये देखिए मतलब ये गेयरबॉक्स का माउंटिंग है, और इसका एक बोल्ट लगा हुआ है और एक बोल्ट लगा ही नहीं हुआ है, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। मतलब इतना गाड़ी पे पैसा खर्चने के बाद अगर ऐसा काम होता है तो गलत है, एक बार रीचेक करना ज़रूरी है। मतलब मेरे ख्याल से साल एक गाड़ी वहाँ पे रही है, और साल के बाद इतना रीचेक करना तो बनता है अभी। और इसके लीकेज वगैरह भी देखिए, यहाँ पे इसके गेयरबॉक्स पे सारी लीकेज है, तो भी इसको गेयरबॉक्स को डाउन करेंगे, फिर देखते हैं आगे आगे क्या निकलता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी को लेके बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बॉडी वर्क जो है इसका इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है कि मतलब मैं खुद देख के दिल खुश हो गया। बट जहाँ तक मैकेनिकल जो काम हुआ है नीचे, तो उसमें काफ़ी गलतियाँ हैं जो छोड़ी गई हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को कोई मेरा भाई कहीं से भी काम करवाता है, या मेरे से भी कोई काम करवाए, बट ये छोटी छोटी चीज़ें चेक कर ले। मतलब हम भी अगर कोई गाड़ी कंप्लीट करते हैं तो उसको रीचेक करना एक बार बहुत ज़रूरत है। जो वर्कशॉप के ओनर रहे होंगे जिन्होंने भी ये काम किया है, तो मैंने कहता कि उनकी गलती है, बट उन्हें एक बार रीचेक ज़रूर करवाना चाहिए, या खुद एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड मतलब जो गाड़ी के ओनर है उनके साथ तो गलती है। मतलब वो 600 किलोमीटर गाड़ी जम्मू में लाए हैं, और रास्ते में अगर कुछ खुल जाता, कुछ टूट जाता, तो दिक्कत तो इनको ही होनी थी ना। तो यहीं से अगर मैं बात करूं बैक साइड से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से नहीं दिखा, ये बैक साइड पे ये बोल्ट है, ये आवाज़ सुन रहे हो,
बोल्ट मतलब पीछे चेसिस का ये बोल्ट भी पूरा लूज पड़ा है और वो बोल्ट भी लूज पड़ा है। तो भी आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि क्या है ये। तो यहाँ पे इसकी फिटिंग खोलना स्टार्ट कर दी है, साइलेंसर खुल रहा है, शॉक पिछले ही खोल दी है, फ्रंट वाले भी खोल दिए है। कितना टाइम लगेगा छोटू? साइलेंसर खोलने में 10-15 मिनट। 10-15 मिनट जी। गर्दन नहीं हो रही सीधी? गर्दन यहाँ से गेयरबॉक्स है ना? गेयरबॉक्स है जी। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे फिटिंग तो हमने काफ़ी खोल दिया, साइलेंसर वगैरह खोल दिया, बट यहाँ पे एक पंगा और है। यहाँ पे आप देखिए, मतलब गियर बॉक्स के साथ साइलेंसर बिल्कुल टच कर रहा है। और अभी यहाँ पे भी नज़र मारी है, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक सेकंड पर टॉर्च ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी का क्लच सिलेंडर है और क्लच सिलेंडर बिल्कुल यहाँ पे टच कर रहा है। ये इस साइड से पूरी पाइप भी घिस गई है। ये पाइप कौन सी? ये देखो, ये नाजुक पाइप होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखो काफ़ी घिस गई है। और ये नेक्स्ट इसका प्रोसेस ये है कि अभी ये लीक ही करेगी सीधा, तो ये भी एक मसला है। मसला ऊपर से ये देखो ना भैया, ये पिछला 4x4 बिल्कुल बॉडी से टच कर रहा है। हाँ, वो तो देखा, वो 4x4 तो टच कर रहा है सारा, इसीलिए इसको डाउन कर रहे हैं। बट तो अभी जी आज शुरुआत कर रहे हैं इसके गेयरबॉक्स से। जैसे कि गेयरबॉक्स इसका खोल दिया हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा हैवी था और उतारना काफ़ी मुश्किल था, तो चार बंदे लगे हैं इसको उतारने के लिए। तो अभी इसको बाहर निकाल के अभी आपको बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के नीचे और मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे कितना ज़्यादा टच हो रहा है कि पूरा निशान पड़ चुका है गेयरबॉक्स का, और यहाँ पे भी टच हो रहा है। बाकी तो मेरे ख्याल से सही है, बट ये दो जगह जो है वो टच कर रही है। तो अभी इसका अल्टरनेट देखना पड़ेगा क्या करेंगे। तो इसमें जो लीकेज की प्रॉब्लम थी तो वो भी आपको बताते हैं, बताना भी। तो ये देखो सारा ये लूज़ है। अब ये लूज़ क्यों छोड़ा हुआ है, ये हमारी समझ से बाहर है। आपकी समझ में आ रहा है? हमें तो टाइट करना है। टाइट तो करना, बट लूज़ क्यों छोड़ा हुआ है ये। तो ये गेयरबॉक्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ये टच कर रहा था और यहाँ से पूरा ये मतलब घिस चुका है सारा अलग अलग से। तो यहाँ पे अभी इसको खोला हुआ था सारा, तो अभी इसको यहाँ पे RTV लगा दिए और अभी इसको प्रॉपर टाइट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते हैं, तो जो इसकी ये ट्रांसमिशन की जो गाडरी जिसके बोल्ट हमने आपको बताए थे, यहाँ पे इसको वेल्डिंग भी देखो, मतलब ये प्रॉपर वेल्डिंग भी नहीं हुई है, सिर्फ हल्का सा एक टांका यहाँ पे लगा हुआ है और ये वेल्डिंग देख सकते हो आप नहीं हुई है, हल्का सा टांका ये लगा हुआ है। और इस साइड पर तो कोई वेल्डिंग नहीं है, सिर्फ दो कोने हैं। तो अगर इसको लेयर वेल्डिंग कर देते तो इनका क्या ही जाना था। तो मेरी नज़र में मतलब काफ़ी घटिया काम है। अब पैसे कितने लिए हैं ये तो शोएब भाई से पूछेंगे। देख सकते हो आप, यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है किसकी क्या मजबूती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ, बट जिनकी ये गाड़ी, अब शोएब भाई की ये गाड़ी है तो उनको तो कुछ नहीं पता ना गाड़ी में क्या हुआ है। तो ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीज़ें चेक करना कि आपकी जो लेबर है वो कर क्या रही है। अब जैसे मैं सारा दिन यहाँ पर आप देखते हो कि मैक्सिमम बाहर इनके बीच में ही होता है, तो वो इसीलिए इनके बीच में रहता हूँ कि हर एक चीज़ खुद चेक करता हूँ कि क्वालिटी वर्क जो है वो निकले। तो वैसे कोई चाहता नहीं है कि किसी का काम ख़राब हो, बट ये सारा लेबर पे डिपेंड है। और बट मेरे ख्याल से जो भी इनके ओनर होंगे जिन्होंने ये काम किया है, उनको ये देखना चाहिए और ख़ुद चेक करना चाहिए एक एक चीज़ की काम हो क्या रहा है। तो ये गाड़ी जब आई थी तब दूर से मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट जैसे जैसे गाड़ी खुल रही है वो नीचे से चीज़ें दिख रही हैं, तो अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि गाड़ी के साथ हुआ क्या है। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के साथ जो जस्टिस है वो नहीं हुआ है। बाहर बाहर से मेकअप तो अच्छा हुआ है, बट अंदर से अंजर बंजर इसके डिले हैं अभी। मतलब इसकी भी बात करूं तो ये भी कट की है हमने, तो ये वेल्ड किया, और मतलब ये पहले यहाँ पर वेल्ड किया था ऐसे, तो मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी यहाँ पर है, सेंटर इसका यहाँ पर है, तो ये भी सारा आउट है। तो मतलब गियर बॉक्स का भी आउट, अभी इसको देखते हैं पहले गियर बॉक्स फिट करके ये कहाँ जाता है। गाइस कितना टाइम लगेगा? इसमें हो गया बस, बन जानी थी। सो गाइज ये जो काम चल रहा है इस टाइम लगभग आधे घंटे से नहीं 10-15 मिनट से लगे हुए हैं।
तो भाई आप यहाँ पे आके ऊपर कौन है? ऊपर मेरे से ज्यादा तगड़ा बंदा बैठा है। तो भाई साहब ये गियर बॉक्स लगाना, गियर बॉक्स का ट्रांसफर केस तुम पूरा गियर बॉक्स ही होता है, खींच के रखा है ना। तो बेसिकली क्या है, देखो नीचे चार लोग, ये तीन पाँच छः, पाँच छः सात आठ, नहीं नहीं पाँच छः सात, पाँच छः सात, अच्छा हाँ पाँच छः सात, ठीक है, मतलब आराम से आराम से। तो फाइनली तो गियर बॉक्स जो है वो किसी काम से निकाला हुआ था बाहर, अभी उसको कर रहे हैं फिर से फिट। पर बेसिकली गियर बॉक्स को फिट करना, इसको फिट करने का और कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं ऐसे कुछ और उठेगा मशीनों से भी कैसे उठेगा। तो क्या जी, इसका जो वाइब्रेशन वाला जो मसला था वो तो हो गया खत्म। तो बिजी थे शूट हमने किया नहीं, एक तो इसके जो सुराख थे वो सारे नए सुराख किए, और जो वेल्ड हमने काटा था वो सारा नया बना के इसका पीस नीचे से भी आप देखोगे अभी पेंट कर दिया है। तो इसकी मतलब जो सेंटर था इसका माउंटिंग है वो भी सेंटर किया है। तो फिर उसके बाद फ्रंट वाले माउंटिंग थे वो चेक किए तो वो ख़राब थे, आप देख सकते हैं ये नए डाले हैं अभी। तो अभी गाड़ी की जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल ओके है, मतलब मस्त है अभी बैठने में, स्टार्ट करके कोई वाइब्रेशन नहीं है, और चलाने में भी शोएब भाई को मज़ा आएगा। तो ये इसके इंजन माउंटिंग है जो कि चेंज हुए, यहाँ से क्रैक भी हो गए थे और काफ़ी, ये यहाँ से भी फटा हुआ है, यहाँ से भी बैठ गया है, यहाँ से हालत देखो क्या थी। तो ये दोनों कर दिए चेंज, और अभी गाड़ी फ़िलहाल जो इसकी एक प्रॉब्लम थी वाइब्रेशन की वो हो गई है ख़त्म। अब इसके नेक्स्ट जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर टाइम लग रहा है, अगर इस पर सारा टाइम लगाएंगे तो फिर ये यहीं की जाएं। शर्मा जी आप इधर गल, फर्स्ट क्लास बस आपके सामने है। तो अगर इस पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे फिर ये पीछे रह जाएगी, तो दोनों का साथ साथ करेंगे। तो फिलहाल अभी कर देते हैं। तो इस गाड़ी की वाइब्रेशन वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो हल हो चुकी थी, बट इस गाड़ी को जहाँ हाथ लगा रहे हैं ना वहीं मतलब प्रॉब्लम है, मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है इन्होंने काम किया क्या है, बार बार से बस मेकअप कर दिया है और ले जाओ जम्मू। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे इंटरकूलर की पत्तियाँ थी वो सारे बोल्ट लगाए नहीं थे, कुछ स्लिप थे, ख़राब थे, अब सारी पत्तियाँ नई खुद बनाई है। और यहाँ पे इसके टर्बो की जो पाइप थी, ये टर्बो की पाइप भी थी नीचे से, ये भी सारी खुली पड़ी थी, खुली पड़ी थी रॉकी सारी जी। इस गाड़ी का क्या, आप क्या कहते हो कि इस गाड़ी का कैसा काम हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। और मतलब दिल्ली से बंदा गाड़ी चला के लाया यार, सब कुछ आप लोगों ने ढीला रखा हुआ है, कोई चीज़ सही ढंग से फिट नहीं की हुई है। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो यार उस चीज़ के साथ आपको जस्टिस तो करना चाहिए, क्योंकि कल को अच्छा करोगे तो नाम आपका ही होएगा, कमाई वो आप ही की है, अगर नहीं करोगे तो फिर यही हाल होएगा। तो अभी फ़िलहाल तो दो तीन जो काम थे मेजर वो तो हो चुके हैं, बाकी इसका भी ब्रेक्स का काम पेंडिंग है, ब्रेक इसकी प्रॉपर लग नहीं रही है, और छोटे छोटे अभी काफ़ी काम है। तो फ़िलहाल तो आज ये गाड़ी जाएगी, और क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने मॉन्स्टर का भी काम ख़त्म करना है जल्दी, तो उसके बाद गाड़ी फिर दो तीन दिन हमारे पास आएगी, फिर इसकी छोटी छोटी जो बाकी कमियां हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी जब हमारे पास आई थी तो यहाँ पे कितना गैप था, अब ये प्रॉपर मतलब बोल्ट पे पूरा फिट है, और इसका साइलेंसर भी जो टच हो रहा था अभी साइलेंसर भी कहीं टच नहीं हो रहा। और गियर बॉक्स की बात करें, गियर बॉक्स की लीकेज भी बंद हो चुकी है, और जहाँ पर ये बॉडी के साथ टच हो रहा था तो वो भी बिल्कुल ओके है। और इसके जैसे माउंटिंग थे, माउंटिंग भी इसके चेंज हो चुके हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, बट गाड़ी ये दिल्ली से यहाँ तक पहुँची है, मेरे हिसाब से तो पूरी गाड़ी रिस्क पे पहुँची है, जिस ढंग से इसकी सारी फिटिंग लूज थी, कहीं कोई क्लैंप नहीं लगा है, और छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें जो थी, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता यार अब किसी के बारे में बोलूँगा, बट ये खुद देखना चाहिए। क्या हाल है सर? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। चलो थैंक। तो चलिए शोएब भाई को भी गाड़ी चला के आ गया मज़ा। तो गाड़ी के जितने फॉल्ट थे उनमें से तीन चार फॉल्ट अभी हमने ठीक किए हैं, और आगे के जो फॉल्ट हैं वो आपको आगे की वीडियोस में दिख जाएंगे। तो अभी आज का ब्लॉग यही करते हैं एंड, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।